तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा सीख रहे हैं और पिछले दिन हमने कई सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपने लेक्चर के अंदर में। इस बोर्ड पर काफ़ी कुछ लिखा है। हमने स्टेट स्पेस की बात की। हर एक पार्टिकल का किसी एक इंस्टेंट पर एक डेफिनेट स्टेट है जिसको कि हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए वो सारे स्टेट्स का अगर हम मिला के सेट बनाएं तो वो वेव फंक्शंस का भी स्पेस उसको कह सकते हैं, और ये सब मिलकर के एक लीनियर वेक्टर स्पेस बनता है। फिर हमने ये किट सिंबल की बात की और करस्पॉन्डिंगली एक उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी सिंबल हमने बात की। हमने ज्योमेट्रिकल वेक्टर स्पेस से इसकी थोड़ी सिमिलरिटी आपको दिखाई कि जिस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स के लिए और आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, किसी भी वेक्टर को आप इन तीन में लिख सकते हैं और ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और ये कंपोनेंट्स लेने के लिए आपको इस आई कैप के साथ और ए का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर लें जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो वो ए एक्स बन जाता है। फिर इसका जे कैप के साथ अगर स्केलर प्रोडक्ट कर लें तो वो दूसरा कंपोनेंट बन जाता है, तीसरा कंपोनेंट बन जाता है। इसी प्रकार से अपने स्टेट स्पेस के लिए उसमें जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके लिए हम लोग बेसिस डिफाइन कर सकते हैं। इस आई कैप, जे कैप, के कैप को हम बेसिस कहते हैं और उसको थ्री डिमेंशनल स्पेस कहते हैं क्योंकि तीन ऑर्थोगोनल एक दूसरे से ऐसे हमने बेसिस स्टेट्स ले लिए तो सारा बाकी के वेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं और हम अपने स्टेट्स के वेक्टर्स की बात करते हैं तो फिर ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनकी संख्या अनंत हो सकती है। और हमने ये डिस्क्रीट बेसिस की बात की जिसमें हम अलग अलग कह सकते हैं ये फाई वन है, फिर ये फाई टू है, ये फिर फाई थ्री है, और तब हमने कहा कि कोई भी आप स्टेट्स लेंगे तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस बेसिस में, इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। ये सी आई उस स्टेट का कंपोनेंट है इस फाई आई के डायरेक्शन में, अगर आप कहना चाहें तो कहें बिल्कुल। और इस ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जो बेसिस है उसके साथ आप उस इसका जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये कंपोनेंट निकल करके आएगा। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की। हम लोगों ने ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसको कहते हैं वो बताया। ये वास्तव में ये साई साई है, ये साई का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट है ये, क्योंकि परिभाषा ही हम लोग ऐसे करते हैं। अगर हमने इसकी परिभाषा हमें करनी है साई वन साई टू की तो पहले वाले का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, दूसरे वाले का हम ज्योत का त्यों रखते हैं और पूरे एक्स पे इंटेग्रेट कर देते हैं फुल रेंज में, तो उसको हम लोग ये प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आप अपने ही साथ में उसका लेंगे तो पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और दूसरा ज्यों का त्यों यही बन जाएगा। तो ये जो फैक्टर यहाँ लिखा गया है ये फैक्टर वास्तव में ये साई का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर जैसे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, यहाँ भी इन दो वेक्टर्स का जो अगर ज़ीरो हो जाए तो इन वे फंक्शंस को हम एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की। बेसिस के जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़रूर एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होते हैं, और बेसिस वेक्टर्स का जो नॉर्म होता है वो हम यूनिटी लेते हैं, यूनिट नॉर्म लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं उसी तरीके से जब हम बेसिस बनाते हैं तो ये जो वेक्टर्स हैं बेसिस वेक्टर्स इनका जो अपना मैग्नीट्यूड है या नॉर्म है वो हम लोग हमेशा वन लेते हैं। तो फाई आई फाई वन इज़ वन, फाई वन फाई टू इज़ ज़ीरो, तो इस तरीके का बनता है। और इसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऐसा बोलते हैं। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हर एक का अपना मैग्नीट्यूड वन है और एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है, तो इस तरीके के बेसिस हम लोग अमूमन काम में लेते हैं। इसके पहले हमने जितनी चर्चा की वे फंक्शंस के बारे में उसमें हमने बेसिस का उपयोग किया है, दो तरह के बेसिस का उपयोग किया है। हमने किसी भी वेव फंक्शन को मोमेंटम के प्योर स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया है या
जो पोजीशन के प्योर स्टेट्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया है, वो भी हमारे बेसिस ही हैं। तो आज थोड़ी हम उस तरह के बेसिस की चर्चा करेंगे, वो थोड़े अलग किस्म के बेसिस हैं, क्योंकि वो हम इस तरह से अलग अलग करके नहीं लिख सकते, उसमें एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, जिसका वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक देते हैं। तो हम काउंट नहीं करते हैं कि 1, 2, 3, 4, वो कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो उस तरह के बेसिस जिसका हम उपयोग करते आए हैं, हम आज ज़्यादातर उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो मोमेंटम के जो प्योर स्टेट्स हैं, यानी जिसमें मोमेंटम का एक डेफिनेट वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, मिक्सिंग नहीं है, ऐसे को हम लोगों ने हमेशा लिखा है, उसका जो वेव फंक्शन है वो है 1/√2πh² और e^(i/h) p0x। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये मोमेंटम का प्योर फंक्शन है, और इसको अगर आप कहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं p0 और तब केट, यानी हम उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम का एक ही फिक्स्ड वैल्यू है और वो है p0। तो वो जो केट है, वो जो स्टेट है, उस स्टेट का ये वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इसको ऐसे बिल्कुल इक्वल है ऐसा करके नहीं सोचिए इस इक्वलिटी साइन को, लेकिन हम इसको इस तरह से इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअल उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उस स्टेट को बताने का एक जरिया है, एक वेव फंक्शन है। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम लोग जानते हैं कि इसमें लीनियर मोमेंटम फिक्स्ड है, लेकिन इस तरह के p0 बदल बदल करके आप ये बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। p0 का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूसली बदलिए, और ये जितने नए फंक्शंस आपको मिल रहे हैं लगातार, वो सब मिलकर के स्टेट स्पेस का बेसिस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर वेव फंक्शन साई एक्स है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इसको जोड़ लगा सकते हैं, और APDP, तो ये कंपोनेंट हो गया, ये AP कंपोनेंट हो गया, और जोड़ नहीं हो करके ये इंटेग्रेशन है, क्योंकि इस बार हमारा वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो आप इसको p0 कह दें, इसको p0 कह दें, और तब जो वेव फंक्शन ही यहाँ पे हमें लिखना है वो है √1/2πh² और तब यहाँ पे e^(i/h) p0x। तो हमने काफ़ी यूज़ किया है इसको, सवाल भी बना है इसके ऊपर कि किसी भी वेव फंक्शन को आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर एक्सपैंड किया था अपने डिस्क्रीट बेसिस में, और हमने कहा था कि कोई भी अगर ये वेव फंक्शन है तो उसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनकी, उनके रूप में, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। वही काम यहाँ हो रहा है, ये हमारा जनरल साई एक्स है, इसको हम लिख रहे हैं अपने बेसिस, ये मेरे बेसिस हैं, और इस बेसिस में ये जो p0 है वो p0 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कंटिन्यूस वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएशन है, हम 1, 2, 3, 4 नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली ये वैरी कर रहा है। हम कोई खास वैल्यू बताएंगे तो एक बेसिस वेक्टर पकड़ा जाएगा, हम दूसरा वैल्यू बताएंगे तो दूसरा बेसिस वेक्टर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो साई है इसको इस, ये है हमारा बेसिस वेक्टर और ये उसका कंपोनेंट है, ये AP0 जोड़ने की जगह पे हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये CI कैसे लिखते हैं हम, ये CI लिखते हैं हम φi साई, ये है कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट। आपको याद होगा कि इसको जब हम लिखते हैं तो इसमें पहले का, पहले वाला जो है फंक्शन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, दूसरे वाला ज्योंका त्यों लिखते हैं, और फिर उसको x पर इंटीग्रेट करते हैं, और x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसा जाने देते हैं। इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट φi का साई के साथ में।
ऐसा जब हम करते हैं बेसिस वेक्टर से जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वाला कंपोनेंट निकलता है। वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है एपी एपी नॉट वो क्या है, वो है पी नॉट बेसिस वेक्टर। ये पी नॉट है ये बेसिस वेक्टर और उसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए साई एक्स को। ये हमारा साई ये आप इसी का इस्तेमाल करके आप चेक कर ले सकते हैं। इसको अगर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी ये जो फंक्शन है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब 1/√2πh² और e पे पावर -i/h·p0x। देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया हमने, i की जगह पे माइनस आई लिख दिया है और ये साई जो का त्यों लिखना है तो साई एक्स। और इंटीग्रेट किस पर करना है मुझे, इंटीग्रेट करना है मुझे इस पर p पर, क्योंकि ये x पर इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये भी p नॉट का आएगा। तो ये dx, ये dx यही किया था हमने। ए पी नॉट का ए पी नॉट कैसे निकालते हैं, इसमें से ए पी नॉट कैसे निकालते हैं याद होगा आपको, ए पी नॉट निकालने के लिए यही हमने काम धंधा किया था। तो ये और कुछ नहीं है, ये सीधा इसका स्केलर प्रोडक्ट है। पी नॉट ये है और एस आई है, उस साई का और इस पी नॉट का ये सीधा सीधा स्केलर प्रोडक्ट है। तो यानी आप एक कंटिन्यूस बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस का इस्तेमाल करने में कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने की हैं। ये जो बेसिस वेक्टर हमने लिया है, बेसिस फंक्शन वेव फंक्शन हमने लिया है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। हम जब बेसिस चूज करते हैं तो ऐसा चूज करते हैं कि हर एक बेसिस फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो। जैसे हम आई कैप जे कैप कैप लेते हैं तो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, लेकिन ये जो है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आप अपने साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट बनाएं, पी नॉट बनाएं, नॉर्म का स्क्वायर बनना चाहिए इसको, तो आप देखिए पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है तो पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया हमने, ई पे पावर -i/h·p0x कर दिया। और दूसरे को ज्यों का त्यों रखना है तो फिर से 1/√2πh² करके और इस बार ज्यों का त्यों रख दिया ये, और फिर x पे उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो करके हो गए 1, और इसलिए ये अंदर में सिर्फ ये कांस्टेंट रह गया, और फिर x पे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -∞ to +∞। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर दो अलग अलग बेसिस वेक्टर्स लेते हैं तो वो ऑर्थोगोनल है क्या, वो है, वो ऑर्थोगोनल है। एक्चुअली अगर आप P1 P2 लें, दो अलग अलग ऐसा लें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -∞ to +∞। पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अर्थात 1/√2πh तो आप कर ही लीजिए, 2πh² तो आप कर ही लीजिए, दो बार आने वाला है इसलिए वो लिख लिया हमने। और e पे पावर -i/h·p1x और e पे पावर +i/h·p2x dx ऐसा, अर्थात -∞ to +∞, 1/√2πh² और फिर यहाँ पे e पे पावर i/h·p2−p1x dx। और ये अपने आप में एक डेल्टा फंक्शन है, ये अपने आप में इसको आप लिख सकते हैं δp2−p1। याद होगा आपको डेल्टा फंक्शन की हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर हम डेल्टा x−x0 इसकी चर्चा करें, x−x0, तो इसका अर्थ है कि x=x0 जहाँ पर है, ये मान लीजिए x=x0 है, यहाँ पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, बाकी सब जगह इसका वैल्यू ज़ीरो हो रहा है। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर है, अगर P1 P2 बराबर हो गए, अपने साथ ही आप उसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा।
और उसके अलावा जो उसका इंटीग्रेशन वन होना चाहिए वो सब इसके अंदर में शामिल है। मैंने इसके ऊपर रिसोर्स सेक्शन के अंदर में रखा हुआ है एक फुल डिस्क्रिप्शन इसका, जिसमें हम कैसे ये ऐसा हो जाएगा, ये डेल्टा फंक्शन कैसे बन जाएगा, उसकी हमने वहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जो कंटिन्यूस बेसिस अगर है तो उसका ऑर्थो नॉर्मलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं हम, उसकी ऑर्थो नॉर्मलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं हम कि जो P1 P2 का स्केलर प्रोडक्ट है वो डेल्टा P2 माइनस P1 है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ज़ीरो, और अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर डेल्टा फंक्शन का जैसा इन्फिनिटी होना चाहिए वैसा। तो ये एक वेव फंक्शन इस प्रकार का हम लोग लेते हैं। दूसरा भी हमने एक कंटिन्यूस बेसिस इस्तेमाल किया था, दूसरा भी हमने एक कंटिन्यूस बेसिस इस्तेमाल किया था, और वो बेसिस क्या था, वो था पोजीशन का प्योर स्टेट। ये हमने लिए हैं मोमेंटम के प्योर स्टेट, और हम अगर पोजीशन के प्योर स्टेट्स लेते हैं तो वो भी एक बेसिस की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या होते हैं वो, वो होते हैं पोजीशन के प्योर स्टेट एक्स नॉट, ऐसा लिखते हैं। ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है जिसमें पोजीशन का पक्का पता है, पोजीशन में कोई मिक्सिंग नहीं है, पोजीशन का वैल्यू एक्स बराबर एक्स नॉट ही है और कुछ नहीं है। तो वेव फंक्शन में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वाला फंक्शन, ये जो इसके अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये वाला फंक्शन। और इसमें एक्स नॉट को आप बदलते चलें, इस एक्स नॉट को आप बदलते चलें, और कहाँ से कहाँ तक आप बदल सकते हैं, तो एक्स नॉट वेरी कर सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं। और हर एक्स नॉट के लिए एक बेसिस फंक्शन है आपके पास में ये। अब किसी भी वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको बेसिस बोल रहे हैं। अगर आपको कोई साई एक्स लिखना है तो आप उस साई एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन और साई एक्स नॉट, ये उसका कंपोनेंट हो गया, और फिर ये डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट पे ये इंटीग्रेशन है गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सारे बेसिस वेक्टर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, अपने अपने कंपोनेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ता है, उसमें से कई सारे जीरो हो जा सकते हैं लेकिन लिखना पड़ता है। तो वैसे ये एक्स नॉट के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे जो ये बेसिस वेक्टर्स हैं वो हमने लिखे हैं और उनका जोड़ लगाया है, इंटीग्रेशन किया है, और ये उसके कंपोनेंट्स हैं। साई एक्स नॉट लिखें पहले, तो साई एक्स नॉट, चलिए साई इज इक्वल टू, ये कैसा हो गया, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स नॉट, ये और ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं डी एक्स नॉट। तो आप देखिए ये कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया किसका, हमारे वेव फंक्शन का, ये हमारे स्टेट का। और किस तरफ, किस डायरेक्शन में, किस में, इस वाले बेसिस वेक्टर में, तो ये कंपोनेंट हो गया। आप इस साई एक्स को, साई एक्स नॉट को आप लिख सकते हैं, जो एक्स नॉट मेरा बेसिस है साई, ये इंटीग्रेशन, ये स्केलर प्रोडक्ट। इसको अगर आप खोल करके लिखें तो ये पहला वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो चूंकि ये रियल ही है इसमें आई कहीं है ही नहीं तो इसलिए ये ऐसा ही लिखा जाएगा, और दूसरा ज्यों का त्यों यानी ये लिखा जाएगा, और फिर ये इंटीग्रेशन होगा डी एक्स के ऊपर। ये स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ही है कि ये डी एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कब हम एक्स नॉट पे इंटीग्रेट करते हैं, कब हम एक्स पे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हम इसको बेसिस फंक्शंस में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग बेसिस फंक्शंस लेने हैं, तो वो अलग अलग बेसिस फंक्शंस अलग अलग एक्स नॉट पर हैं, इसलिए हमने एक्स नॉट पर इसको इंटीग्रेट किया है या जोड़ा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और स्केलर प्रोडक्ट निकालने के डेफिनेशन में है कि पहला जो फंक्शन है एक्स का फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना, दूसरे फंक्शन को जो का त्यो रखना, और एक्स पे इंटीग्रेट करना फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रेशन है साई एक्स नॉट, है ना। ये स्पष्ट है कि ये साई एक्स नॉट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स एक्स नॉट के अलावा कुछ है
ये फंक्शन ज़ीरो है, और जहाँ पे x बराबर x नॉट हो गया वहाँ पर ये भी x बराबर x नॉट है, इसलिए ये साई x नॉट है जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, और तब डेल्टा x माइनस x नॉट dx ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन वन होता है, इसलिए ये साई x नॉट इतना है। तो ये भी हमारा एक कंटिन्यूस बेसिस है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कंटिन्यूस बेसिस भी ले सकते हैं, और ऑर्थोनॉर्मलिटी जो है वो इसी प्रकार से डिफाइन होगी। ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल कंटिन्यूस बेसिस ऐसा कह सकते हैं। अगर ये वन होता जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था, जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था फाई आई फाई जे इस प्रकार का, तो अगर आप सेम हो जाए आई और जे सेम हो जाए, अपने ही से लेना है तो इसको वन हो जाना चाहिए, और अगर किसी दूसरे से अलग अलग हैं दोनों और तब आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको जीरो हो जाना चाहिए। इसके लिए भी एक सिंबल है, उसको ऐसा वाला डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा आई जे। क्या मतलब है? डेल्टा आई जे इज वन इफ आई इज इक्वल टू जे एंड इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा ऐसा बोलते हैं इसको, जिसमें कि अगर ये दोनों एक ही सिंबल हैं, अपने ही साथ स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो ये वन, और अलग अलग बेसिस वेक्टर्स ले लिए तो ये ज़ीरो, तो ये क्रोनेकर डेल्टा बोला जाता है। कंटिन्यूस वेरिएशंस अगर है बेसिस में तो फिर ये इस प्रकार से ऑर्थोनॉर्मलिटी डिफाइन करते हैं। अब आपको हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं, अपने हमारी जो भाषा है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसका एक और शब्द विन्यास है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और वो है ऑपरेटर्स, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने शुरू के लेक्चर्स में जब मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी, उस समय मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट किया था कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनको हम मेज़र करते हैं, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़, उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। तो आज हम उसको फिर से उसकी चर्चा करते हैं। आप पहले मोमेंटम के प्योर स्टेट की बात कीजिए, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ये वो स्टेट है जिसमें कि मोमेंटम डेफिनेट है और उसका वैल्यू पी नॉट है और कुछ नहीं है, तो इसको उसका जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन है 1/√2πh² e पे पावर i/h² पी नॉट एक्स, ये हमारा उसका वेव फंक्शन है साई या फाई। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें एक्स में तो क्या होता है? डेल्टा साई डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? डेल्टा साई डेल्टा एक्स हो जाता है 1/√2πh² और यहाँ से देखिए i/h·p0 ये बाहर और फिर ये e पे पावर i/h·p0 ऐसा हो जाता है ये। और अगर आप इसको -iℏ से मल्टीप्लाई कर दें, -iℏ डेल्टा साई डेल्टा एक्स ये कर दें, ये क्या हो जाता है? तो अगर आप इसको -iℏ से मल्टीप्लाई करेंगे, एच क्रॉस यहाँ कटेगा, आई इंटू आई -1 होगा और फिर एक माइनस है तो मिलाकर +1 हो जाएगा, तो यही पी नॉट केवल यहाँ पे बच जाएगा, और उसके अलावा जो कुछ बच गया है वो और कुछ नहीं है बल्कि यही वाला साई है। तो आप ऐसे लिखिए इसको, डेल डेल एक्स साई इज इक्वल टू पी नॉट साई। तो आप देख रहे हैं कुछ संबंध है जो लीनियर मोमेंटम है और जो ये ऑपरेटर है, कुछ संबंध है। लीनियर मोमेंटम का अगर प्योर स्टेट है तो इस प्रकार की चीज़ बन रही है। तो ये साई साई अगर आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए, मैं काटने को नहीं कह रहा हूँ, भाग देने को नहीं कह रहा हूँ,
ये इस पर ऑपरेट करता है, इसका मतलब है इसको ये डिफरेंशिएट करता है, गुना नहीं किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसलिए हम काट तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम इन दोनों को हटा दें तो ये माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स जो है वो हमें पी नॉट मिलता है, यानी मोमेंटम मिलता है। तो आप बराबरी पर वो गणित के हिसाब से तर्क नहीं करेंगे कि ये ऑपरेटर है और ये वैल्यू है, ये बराबर कैसे हो सकता है। हम सिर्फ आपको एक इंट्यूशन दे रहे हैं कि यहाँ लीनियर मोमेंटम है, वैल्यू है लीनियर मोमेंटम का, यहाँ एक ऑपरेटर है, लेकिन ये साई पर ऑपरेट करता है, ये साई को गुना करता है, और तब दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, ये बराबर गणित वाला बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम के करस्पोंडिंग ये एक ऑपरेटर है, जिसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम के वैल्यू को हम स्मॉल पी से बोलते हैं, इसलिए इस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैपिटल पी बोलेंगे। जब कैपिटल पी लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम इसके ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो पी जो है ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू लीनियर मोमेंटम इज माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। और हम बार बार ये डेल डेल एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमें ध्यान है कि हमने वन डिमेंशनल वर्ल्ड अपनी तरफ से कल्पना की है। मेरा वर्ल्ड एक वन डिमेंशनल नहीं है, उसमें एक्स भी हैं, वाई भी हैं, जेड भी हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर वहाँ हम डिफाइन करने जाएंगे तो हमें वो तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग डिफाइन करने पड़ेगा। तो ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर है, इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट का और जेड कंपोनेंट का भी ऑपरेटर होगा। तो ऐसा हमारा ये लीनियर मोमेंटम का ऑपरेशन है। पोजिशन की बात करें आप, पोजीशन भी हमारा एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे मोमेंटम फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, और इसके लिए भी हमारे पास में ऑपरेटर है, और उसको हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। जो वैल्यू है पोजीशन का उसको स्मॉल एक्स लिखते हैं, तो इसको हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। और ये कैपिटल एक्स क्या है, ये है मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से गुणा कर दो, ये भी ऑपरेशन है। कोई फंक्शन है उसको एक्स से गुणा कर दो, एक दूसरा फंक्शन बन गया, ये भी एक ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन का ऑपरेटर। और जो प्योर स्टेट्स हैं, पोजीशन के जो प्योर स्टेट्स हैं उस पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, पोजीशन के प्योर स्टेट्स क्या है, पोजीशन के प्योर स्टेट हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैरायटी एक्स नॉट बदल बदल करके, इसको अगर आप करेंगे डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट तो क्या बनेगा, so ये एक्स से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, और इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। आप चेक कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक्स बराबर अगर एक्स नॉट नहीं है तो एनीवे ये भी जीरो है, वो भी जीरो है, और अगर एक्स नॉट है तो फिर ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये तो जिस तरह यहाँ आपने देखा पी साई इज इक्वल टू पी नॉट साई, वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्स है, और इसको अगर आपने यहाँ पर प्योर स्टेट पे अप्लाई कर दिया तो आपको वो वैल्यू और उसके बाद वही प्योर स्टेट वापस मिलता है। ये बड़ी अच्छी सी बात है। और इसी प्रकार आप बाकी चीज़ों के भी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पी स्क्वायर बाई टू एम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को, तो उसी पी को आप दो बार कर दीजिए, ये पी है, इसी को आप दो बार कर दीजिए, इसी को एक बार और लिख लीजिए तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये वी एक्स है, एक्स का फंक्शन होता है सामान्यतः पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसी हालत में उसका जो ऑपरेटर है दैट ऑपरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाई वी एक्स, ये इसका ऑपरेटर है।
और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो के प्लस वी होती है, उसके लिए जो ऑपरेटर होगा वो ऐसा ही माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। ये ऑपरेटर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका मतलब है वी एक्स से गुणा करना है, और इसका मतलब है कि दो बार एक्स की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना है और इससे गुणा करना है। तो इस तरह से हर जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है। और अगर वो ऑपरेटर का प्योर स्टेट है, अगर वो उस क्वांटिटी का, उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का प्योर स्टेट है, तो वो ऑपरेटर आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वही फंक्शन फिर से मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाई द एक्चुअल वैल्यू, द डेफिनेट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल।